बोल रहा है जी, मर्यादा दी जा रही है, मेरी बात हो रही है, हमसे बात नहीं करना है। एक मिनट बात तो सुनो, बात तो करो, आप जिम्मेदार आदमी हो, बात करना है, एक मिनट बात नहीं करनी, नहीं ना तो आपसे बात करनी है और हमारी सुननी भी नहीं। हाँ कुछ नहीं, तो आप हम रुक रहे हैं, हमारे रहने का हमारी बोल वही कर रहा हूँ, आपने बोलना है मौका तो आप अपनी बात नहीं सुने। हम ये कह रहे हैं, हमने कल शाम को रात को गाड़ी आउट कराई थी, हमने 24 घंटे हो गए, कुछ लेना देना नहीं है, हम नहीं समझ रहे कि ये गाड़ी यहाँ आई है, आपको जाना हो जाओ, 24 घंटे मैं बात नहीं करना चाहता था, देर भाई सर ना मेरे यहाँ गाड़ी। यूपी में लखनऊ के लिए रवाना की गई थी और इनको यहाँ पर कोई तेल की सुविधा न मिलते हुए पीएम और जीएम से बात होने के बाद अधिकारी दोनों अधिकारी ये बोलते हैं वहां से तेल लेकर ही आना है, जो कि हमारे तमाम चालक और परिचालक रोड पर इधर उधर भटक रहे हैं। ये हमारे चालक परिचालक रोड पर इधर उधर घूम रहे हैं, जो यहाँ पर किसी भी प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। तो ये ऊपर सोनीपत डिपो पे दोनों टीएम और जीएम लेवल पर बात पहुंच चुकी है और यूपी प्रशासन के पास भी फोन जा चुका है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। सारे बोलो भाई, हमारे को समस्या रही है यहाँ पर, कोई और ये कर्मचारी रात को 9 बजे से सीट पर बैठे हुए हैं, जबकि दिन भर रात भर गाड़ियां चली हुई हैं और अब 3 बजे बज चुके हैं, न इनको कोई खाने की सुविधा है, न इनको सोने का है और सोनीपत डिपो से और सोनीपत प्रशासन से बार बार फोन आ रहा है कि आपने लखनऊ से इन गाड़ियों में तेल भराकर ही आना है। यहाँ कोई तेल दे ही नहीं रहा भाई, खुला है, हम खाना ही खा लिया।